हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड लॉजिक्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ अष्टमी और नवमी का प्रसाद। इसमें हम बनाएंगे सूजी का हलवा, पूरी और सूखे काले चने। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ हलवा, पूरी और सूखे चने बनाने के। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, लेट्स स्टार्ट कुकिंग। तो सबसे पहले प्रसाद के लिए हम बनाएंगे सूजी का हलवा। परफेक्ट सूजी का हलवा बनाने के लिए मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप कोई भी ग्लास, कटोरी या कोई भी एक बर्तन ले लीजिएगा, उसी के हिसाब से सारी मेजरमेंट्स रखिएगा। तो मैंने ये एक कटोरी ली है, इस कटोरी के हिसाब से मैं सारी मेजरमेंट्स आज करने वाली हूँ। सबसे पहले हम एक पैन में दूध डालेंगे और इसी में हम डाल देंगे पानी, और इसके साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे चीनी। चीनी डालकर हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस ऑन करके एक उबाल आने तक इसे गैस पे ही छोड़ देंगे। अब हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे देसी घी। घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी। सूजी को हम घी में मीडियम आंच पर धीरे धीरे भून लेंगे, लगातार हिलाते हुए हमें भूनना है, और साथ में ही हम चेक कर लेंगे कि हमारा दूध और पानी उबल गया है। अगर उबल गया है तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। बस अब मीडियम आंच पे हम लगातार चलाते हुए सूजी को भून लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि सूजी घी ना छोड़ दे। ये देखिए साइड्स में एकदम सूजी ने घी छोड़ दिया है, अब इसका मतलब हमारी सूजी भून के रेडी हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे दूध और पानी का जो मिक्सचर हमने बॉईल किया है। इसे ध्यान से डालिएगा क्योंकि ये बहुत तेजी से उछलता है और बहुत गर्म होता है, और इसको हमने फटाफट से हिला देना है। साथ में हम ऐड कर देंगे किशमिश और कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने ऐड किया है काजू और थोड़े से बादाम। बस इसे मीडियम आंच पर लगातार हिलाते हुए हमने फर्दर पका लेना है। बस उतना पकाना है जितना कंसिस्टेंसी आपको हलवे की चाहिए। मैं थोड़ा ड्राई रखती हूँ। ये देखिए हलवे ने बिल्कुल साइड्स छोड़नी शुरू कर दिए हैं और एकदम अब हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू सर्व। हलवे को हम एक दूसरे बॉल में निकाल के रख देंगे, थोड़ा सा गार्निश भी कर देंगे, और चलिए अब फटाफट से पूरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में आटा लेंगे और उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसे अच्छे से गूंथ लेंगे। इसको अच्छे से मल मल के हमें गूंथना है और थोड़ा टाइट ही डो हमें लगाना है। आटा थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए, थोड़ा टाइट ही हो अभी, तब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप ऐड कर सकते हैं, और फिर इसको एक बार और बहुत अच्छे से मल लेंगे। मल कर हम इसे बहुत अच्छे से टाइट आटा लगा देंगे और इसको हम ढक कर थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं, हम आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा काफी टाइट लग गया है हमारा। अब हम इसमें एक चम्मच ऑयल मिलाएंगे और इसको एक बार और अच्छे से मलकर थोड़ा मुलायम कर देंगे, लेकिन पूरी का आटा थोड़ा सा टाइट ही हमें रखना है। बस थोड़ा सा आटा लेकर उसे चकले पे मल लेंगे एक बार, और फिर जितना साइज की हमें पूरी बनानी है उतनी लोई हम तोड़कर एक छोटा पेड़ा तैयार कर लेंगे। दोनों हाथों के बीच में गोल गोल घुमाते हुए हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। ये देखिए एक छोटा पेड़ा तैयार हो गया है। ध्यान रहे इसके बीच में कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अब चकले पे हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और पूरी को बेल लेंगे। इसके हाथ से अलटते पलटते हम पूरी को बेल लेंगे, और ये देखिए इतनी थिकनेस हमें चाहिए, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली। बस ऐसे ही मैं सारी पूरियां बेल के तैयार कर लूंगी। ऐसे ही पहले हम कुछ पूरियां बेल लेंगे। जब तक हम पूरियां बेल रहे हैं एक कढ़ाई में हम तेल गर्म होना रख देंगे। आप फूड लॉजिक्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी मैं बहुत सारी रेसिपीज, पिक्चर्स, वीडियो, आने वाली रेसिपीज की इंटीमेशन शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, इंस्टाग्राम पे तो मैं रिटर्न रेसिपीज भी शेयर करती हूँ। पूरी के लिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसके लिए हम कोई भी लकड़ी का स्पैचुला बेलन डालेंगे, और अगर इस तरह से बबल आने शुरू हो जाए इट मीन्स तेल हमारा पूरी के लिए परफेक्टली गर्म हो गया है। अब हम तेज गर्म तेल में पूरी डाल देंगे और अलटते पलटते हुए पूरियों को अच्छे से तल लेंगे। बस इसी तरह से मैं सारी पूरियां तल कर तैयार कर लूंगी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी व्रत की रेसिपीज, व्रत की स्वीट्स, नो अनियन गार्लिक रेसिपीज शेयर की हैं। क्या आपने ट्राई की?
अगर आपने ट्राई की है तो जरूर मुझे बताइएगा कि आपको सबसे बेस्ट रेसिपी कौन सी लगी। उन सब रेसिपीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए मेरी सारी पूरियां बनके रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब फटाफट से हम सूखे चने बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। चने बनाने के लिए पहले तो हम चने लेंगे और उनको हम 3-4 बार पानी से बहुत अच्छे से धो लेंगे। चलते हुए पानी से हम इसे अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसमें तकरीबन डबल पानी ऐड करेंगे और थोड़ा नमक ऐड करेंगे और इसे 8-10 घंटे के लिए प्रेफरेबली रात भर भिगोकर छोड़ देंगे। 8-10 घंटे बाद हम इसे प्रेशर कुकर में 3-4 विसल आने तक पका लेंगे। अब हम कुकर खोल के चेक कर लेंगे कि हमारे चने गल गए हैं या नहीं। ये देखिए ये हाथ से बिल्कुल अच्छे से दब जाने चाहिए, बस इतने गले हुए चने हमें चाहिए। अब एक पैन में हम तेल गरम कर लेंगे और उसमें हम डी सीड की हुई हरी मिर्ची फ्राई कर लेंगे। आपकी चॉइस है, आप इसे सीडेड भी फ्राई कर सकते हैं, डी सीडेड भी फ्राई कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये चने का टेस्ट बिल्कुल डबल कर देगी। इसमें हम ऐड करेंगे जीरा और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। जीरा क्रैकल करने लगे तो इसमें हम ऐड कर देंगे उबले हुए चने। सारे चने हमने ऐड कर देने हैं और साथ में ही हम डालेंगे कुछ मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला और इन सबको मिक्स करके हम 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर और देखिए चनों का स्वाद एकदम बढ़िया हो जाएगा। अब इनको 1 मिनट और भून लेंगे और ये देखिए हमारे एकदम बढ़िया सूखे काले चने बनके रेडी हो गए हैं। अगर आपको रेसिपीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हाँ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में जरूर शेयर करें। ऐसी ही और बहुत सारी अमेजिंग क्विक एंड इजी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी अष्टमी एंड हैप्पी नवमी। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।